नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर करिश्मा आहूजा है। आइए इस वीडियो में बात करते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस और टूल्स की जिससे आप तुरंत ही अपना वाइब्रेशन बढ़ा सकते हैं। देखिए, कभी कभी कुछ प्रैक्टिसेस और टूल्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें किसी कोच या थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़े, खास करके जब पास्ट रिलेटेड हम जब कुछ ऐसी डीप क्लीनिंग करते हैं, कभी कभी किसी गाइडेंस की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमेशा इंटरनेट से ही देखकर तुरंत उसे प्रैक्टिस कर लेना, ये हमें थोड़ा संभालना चाहिए। हो सकता है कभी कभी जब आप इन प्रैक्टिसेस को करें तो आपके अंदर काफ़ी सारी मेमोरीज ट्रिगर हो जाएं। इसीलिए मैं हमेशा यही आपसे कहूँगी कि आप गाइडेंस के साथ डीप क्लीनिंग जब भी करें, किसी कोच या थेरेपिस्ट के साथ करें। लेकिन आज जो प्रैक्टिसेस मैं शेयर करने वाली हूँ, वो आप आसानी से बिना डर के अपने आप से ही कर सकते हैं। कोई भी उम्र के आप हों, चाहे आपको कोई भी डिज़ायर हो या ड्रीम हो मैनिफेस्ट करने के लिए, चाहे आप शांति चाहते हैं, सफलता चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो आप इन प्रैक्टिसेस को ज़रूर करें। और जितना आप इन्हें रेगुलरली करेंगे, उतना ही आप अपने लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। मैं आपका ध्यान चार चीज़ों के प्रति लेकर जाऊंगी। हर एक चीज़ में दो प्रैक्टिसेस हैं जो आपको करने हैं। सबसे पहले जाते हैं वर्ड्स पर, शब्दों पर। देखिए, अगर आपने अपने ऊपर थोड़ा सा भी काम किया हो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और वाइब्रेशन के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं, तो आपने ये ज़रूर सुना और पढ़ा होगा कि वर्ड्स में, शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जो आप बोलते हैं, वही वाइब्रेशन जो है आपके बॉडी के अंदर चलता है, वही वाइब्रेशन जो है आपके लाइफ में और एक्सपीरियंसेस लेकर आता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आपको अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है और बहुत ही जल्द आपको पॉजिटिव चेंजेस चाहिए, तो अपनी वर्ड्स को शुद्ध रखिए, साफ रखिए, सकारात्मक रखिए, पॉजिटिव वर्ड्स को यूज़ कीजिए। और जब भी आप पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करेंगे, तो ध्यान रखिए उस समय आप कैसे महसूस कर रहे हैं। और जब भी आपने कुछ नेगेटिव वर्ड्स यूज़ किए, तभी भी ध्यान रखिए आपके अंदर क्या हो रहा है। आपको तुरंत एहसास होगा कि आपकी बॉडी को, आपके शरीर पर नेगेटिव वर्ड्स का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ रहा है और पॉजिटिव वर्ड्स का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा अच्छा पड़ रहा है। इसीलिए आज से ही अच्छे वर्ड्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जितना अच्छा बोलेंगे, उतना ही बेटर आप फील करेंगे। इनफैक्ट जो कोई भी ये कहता है कि उनमें उत्साह कम है, वो दुखी रहते हैं, उनके लिए भी अगर वो पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली वो और बेटर फील करेंगे। दूसरी चीज़ वर्ड्स को लेकर आपको ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स यूज़ करना काफ़ी नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी टोन कैसी है जब आप बात कर रहे हैं, आप किस तरह से बात करते हैं, उसका भी प्रभाव आपके बॉडी, आपके शरीर, आपकी सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। इसीलिए जब भी आप बात करें, कोशिश करके अच्छे से, आराम से बात करें, धीमी आवाज़ में बात करें, बहुत ज़ोर से चिल्लाकर बात ना करें। भले ही आपने कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं किया, लेकिन आपने ऐसा भी कहा ना तुमसे, बंद कर दो, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन तुरंत ही अफेक्ट हो जाती है। इसीलिए पॉजिटिव वर्ड्स के साथ साथ आराम से बात कीजिए, एक बाउंड्री सेट कर दीजिए कि आपको इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं करना है। इसीलिए चिल्लाकर, ऊंची आवाज़ में बात करना और मुंह बनाकर बात करना, ये बहुत गलत है। अपने आप को याद दिलाइए कि आपके वर्ड्स की और आप जिस तरह से बात करते हैं, उसकी वाइब्रेशन कहाँ पे जा रही है। सबसे पहले तो आपके बॉडी पे ही पड़ रही है। तो ये हो गए वर्ड्स, अब आते हैं बॉडी पे, शरीर पे। देखिए, हम अपना जीवन अपनी शरीर में बिता रहे हैं, यानी कि आपको दुनिया का एक्सपीरियंस आपके शरीर के द्वारा ही मिल रहा है। इसीलिए अपनी बॉडी का सबसे ज़्यादा ध्यान आपको रखना चाहिए। तो बॉडी रिलेटेड दो चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, जिससे आपकी वाइब्रेशन
बहुत जल्दी बढ़ सकती है। सबसे पहले तो याद रखिए कि आपको बॉडी को यूज़ करना है। इसका मतलब ये है कि बॉडी में मूवमेंट अच्छी रहनी चाहिए। तो जितना भी आप योग करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, इसको रोज़ ध्यान में रखते हुए करें कि आपकी बॉडी को असली आप शक्ति दे रहे हैं उसको यूज़ में रखते हुए। जितना बॉडी यूज़ में आएगा उतना ही आपको अच्छा महसूस होगा। क्यों? जितना बॉडी मूवमेंट में रहेगा उतना ही अच्छा आपका स्वास्थ्य होगा, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहेगी, आपको ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी। और साथ ही साथ ऐसे कई स्टडीज़ हैं जो हमें साफ साफ बताते हैं कि अगर हम कोई भी प्रकार की एक्सरसाइज करें, चाहे योगा हो गया चाहे वॉक हो गई, उसमें आपको ही बेटर फील होता है, क्योंकि आपका माइंड जो है परेशानियों से, स्ट्रेस से दूर हो जाता है और आपको अच्छा महसूस होने लगता है। बॉडी को लेकर दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि एक ओर तो हम कहते हैं कि बॉडी को यूज़ में रखना चाहिए, दूसरी ओर आपको इस चीज़ का भी बहुत अच्छा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी रिलैक्स्ड रहे। कई बार हम जब स्ट्रेस में रहते हैं, जब हमें बहुत सारे डेडलाइंस हैं, काम रिलेटेड हमें काफ़ी सारी चिंताएं होती हैं, या हो सकता है परिवार को लेकर आप में कोई स्ट्रेस या चिंता है, या कहीं ना कहीं आपको किसी वजह से किसी प्रकार की कोई परेशानी है, तो इसका प्रभाव बॉडी पर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और इसीलिए आपको अगर अपनी वाइब्रेशन अच्छी रखनी है तो आपको अपने बॉडी को रिलैक्स्ड स्टेट में ले जाना होगा। ये हम कैसे करें? इसे करने का बहुत आसान तरीका है कि आप मेडिटेशन करें, साइलेंट सिटिंग करें। अगर आपने कभी मेडिटेशन किया भी नहीं है तो घबराइए नहीं, आप सिर्फ मौन में बैठते हुए ही अपने बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। आंखें बंद कीजिए, धीमे से सांस लीजिए, आराम से बैठिए, अपने बॉडी को लूज छोड़िए। आप 5 मिनट से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे करके 15 से 20 मिनट अगर आप रोज़ मौन में बैठेंगे तो यकीन मानिए आप स्वस्थ रहेंगे और साथ ही साथ आपकी वाइब्रेशन भी बहुत अच्छी रहेगी। अब आते हैं गोल्स पर। देखिए, हम में से कई लोग हैं जिनको अपनी ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, डिज़ायर्स हैं, और हम चाहते हैं कि हम बहुत जल्द इन डिज़ायर्स को पा लें, उनको अचीव कर लें। लेकिन कई बार होता यह है कि हमें लगता है कि हम कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस चीज़ को दिल से चाहते हैं वो हमारे पास आती नहीं है, और इससे क्या होता है, वाइब्रेशन नीचे चली जाती है। तो ऐसा ना हो इसके लिए दो चीज़ें आप ये ज़रूर करिए। सबसे पहले तो आपको अपने गोल्स को पेपर पर लिखना है और रोज़ ही 1 से 2 मिनट लेकर इन गोल्स को लिखिए। अगर आप रोज़ लिखेंगे, आप अपने अवचेतन मन में ये मैसेज भेजेंगे कि आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जब आप लिखेंगे तो स्माइल करके लिखिए, इससे आपके बॉडी को, आपके माइंड को, खास करके आपके सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत अच्छा पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अवचेतन मन धीरे धीरे से वो थॉट्स लेना शुरू कर देता है जो आप उसे रोज़ दें। तो गोल्स को लिखिए, इससे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। और साथ ही साथ मैंने ये देखा है कि जब लोग अपने गोल्स को रोज़ लिखते हैं तो अपने गोल्स के साथ वो कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, अपनी गोल्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं, और इससे उनके अंदर जो चिंता थी, जो डाउट थे, वो ऑटोमेटिकली खुद से ही कम होने लगते हैं, और इससे आपका वाइब्रेशन अच्छा रहेगा। गोल्स को लेकर दूसरी चीज़ आप ये ज़रूर करें कि रोज़ कोशिश करके अपने गोल को लेकर कोई एक्शन लें। देखिए, अगर आप एक्शन लेंगे तो आपके अवचेतन मन को एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है कि आप अपने आप को वर्दी मानते हैं गोल्स को अचीव करने के लिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द पर अगर आप ध्यान लेकर जाएं तो उसमें भी एक्शन होता है अट्रैक्शन में। इसका मतलब कि हमें एक्शन लेना है, ऐसा वैसा एक्शन नहीं। अगर आप ध्यान देंगे, आपके माइंड में ऐसे बहुत सारे आइडियाज और थॉट्स आएंगे जिन पर आप एक्शन ले सकते हैं। अगर हम प्रतिदिन अपने गोल्स को लेकर एक्शन लेंगे और रोज़ कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम अपने गोल के और करीब जा सकें, तो आप कभी भी लो वाइब्रेशन में नहीं रहेंगे। हो सकता है कभी कभी हम जो एक्शन लें वो सफल ना हो, लेकिन अगर आप रोज़ एक्शन लेंगे,
आप कभी भी डाउन फील नहीं करेंगे, लो फील नहीं करेंगे। और कुछ ऐसा होता भी है जिससे आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है, आप बहुत आसानी से उससे निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका माइंड फोकस्ड रहता है सॉल्यूशंस पे, तो आप प्रॉब्लम्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो गोल्स को अगर अचीव करना है और अच्छी वाइब्रेशन रखनी है, तो रोज़ एक लिस्ट बनाएं कि आपको अपनी ड्रीम को हासिल करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या एक्शन स्टेप्स लेने हैं। हो सकता है आपको किसी को फ़ोन करना हो सकता है आपको कोई लेटर लिखना हो सकता है आपको कोई रिसर्च करनी हो। जो भी आप आइडेंटिफाई करें एक्शन के लिए, याद रखिए दिन ख़त्म होने से पहले आपको वो एक्शन स्टेप्स को पूरा करना है। इससे आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव रहेगी और आप अपने अंदर एक शक्ति महसूस करेंगे, एक फीलिंग आएगी आपके अंदर कि हाँ, मैं अपनी गोल को ज़रूर पा सकूँगा या सकूँगी। अब आते हैं खाने पर और पानी पर। देखिए, हम जानते हैं कि खाना और पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप खाते समय और पानी पीते समय दो चीज़ें करेंगे, तो आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव भी रहेगी। साथ ही साथ अगर आप बहुत मूडी हैं, यानी कि एक दिन बहुत खुश हैं दूसरे पल दुखी हैं, अगर ऐसे ही आपकी वाइब्रेशन में मूड में शिफ्ट होती है, तो अगर आप ये दो चीज़ें करेंगे तो उनसे आपकी मूड स्विंग्स भी कम हो जाएंगी। तो सबसे पहले चीज़ आपको ये करनी है, जब भी आप खाना खाएं या पानी भी पिएं, आपको बात नहीं करना है। देखिए, हो सकता है कभी कभी आप कोई ऐसे टॉपिक पे बात करें जो आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। कभी कभी हो सकता है हम स्ट्रेसफुल चीज़ों के बारे में बात करें या जो सही नहीं हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब भी आप बात करते हैं, तो आपकी जो बॉडी की कैपेसिटी होती है पानी को लेने की और खाने को लेने की, सबसे पहले तो वो अफेक्ट हो जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है, आप जिस किसी के बारे में भी बात कर रहे थे, कोई भी टॉपिक पर बात कर रहे थे, उसकी एनर्जी और वाइब्रेशन आपके अंदर और तेज़ी से जाती है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है कि खाना और पानी को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी खाना खाएं या पानी पिएं, बात बिल्कुल ना करें। कई लोग टीवी देखते हैं और खाना खाते हैं, और पानी स्पेशली जब पीते हैं तो बात करते करते पिएंगे, कुछ देखते हुए पिएंगे। ऐसा ना करें, इससे आपकी वाइब्रेशन पर बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपको अपनी डाइजेशन को इम्प्रूव करना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है, अच्छा महसूस करना है, तो ये ज़रूर करें, खाते समय और पानी पीते समय बिल्कुल भी बात नहीं करें। दूसरी चीज़ खाने और पानी को लेकर आप ये कर सकते हैं, आप खाने को और पानी को ब्लेस कीजिए। ये तीन वर्ड्स आप रिपीट करना शुरू कर दीजिए। इससे आपको बेटर भी फील होगा और आप इतनी अच्छी एनर्जी भेजेंगे कि आप तुरंत ही देखेंगे आपकी बॉडी बहुत अच्छा फील कर रही है और मन भी बहुत लाइट हो गया है। ये तीन वर्ड्स क्या हैं? आई ब्लेस यू। इन वर्ड्स को आप पानी पीते समय और खाना खाते समय बोल सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं, हे ईश्वर, इस खाने के लिए, इस पानी के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इष्ट देवता के बारे में सोचिए, परमात्मा के बारे में सोचिए। जब ऐसे पॉजिटिव थॉट्स आएंगे आपको खाना खाते समय और पानी पीते समय, तो ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन तो अच्छी रहेगी, साथ ही साथ आप अगले दिन की वाइब्रेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड पर जो स्टडीज़ की गई हैं, वो हमें ये बताती हैं कि अगर आज आपका दिन अच्छा गया, तो आज का दिन कल के दिन के लिए भी एक प्लेटफॉर्म सेट करता है। तो सोचिए, अगर प्रतिदिन हम इन टेक्निक्स को करें, इन टूल्स को अपनाएं, तो कितना पॉजिटिव चेंज हम हमारे लाइफ में देख पाएंगे। एक आखिरी चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगी, कई बार हम दूसरे लोगों की आलोचना करते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनके पीठ पीछे बातें करते हैं। क्या आप जानते हैं कि उसमें भी आप ही की वाइब्रेशन नीचे जा रही है? ये इसीलिए होता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता है आप किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को यही लगता है कि आप अपनी ही आलोचना कर रहे हैं, आप अपने बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए किसी के बारे में भी जब आप बात कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि आप नेगेटिव बातें ना करें, क्योंकि इससे आप ही की वाइब्रेशन नीचे जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप इन प्रैक्टिसेस को तुरंत ही शुरू कर देंगे।
बच्चों को भी इन प्रैक्टिसेस के बारे में बताइए, आपका घर भी खुशहाल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और आप अपने अंदर एक शक्ति भी पाएंगे जिससे आप अपने सारे कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, इससे आपको सारे वीडियोज़ के अपडेट्स पहले ही मिल जाएंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।